S. Chan presents educational video lectures as per the new UGC CBCS curriculum. Absolutely free. Difficult science concepts made easy. Study anywhere, anytime. So, did you ever thought that we organisms, like humans, which have almost diploid life forms, our life forms are deployed? On the other hand, some of the organisms have completely haploid life forms but some of the organisms like algae and fungi jinki hum is hain, they are also having alternation of generations between these haploid and diploid and they can even have more than one type of haploid form as well as more than one type of diploid form which gives rise to a lot of confusing and lot of uh, complicated terms like haplontic diplontic haplobiontic, diplobiontic, these kind of confusing terms about the life cycle of algae and fungi. Do you have any idea about how these terms are defined? No? We'll see these in the coming video. Welcome to Eschand Academy. My name is Aditya, and we are looking at semester 1 Botany videos on Eschand Academy platform. सो बिफोर आई गो हैड इससे पहले कि मैं आगे जाऊं आपको रिकमेंडेशन देना चाहूंगा बुक्स की अगर आप इन टॉपिक्स के बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो ऐशान पब्लिशिंग की इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं इन केस यू डोंट हैव हार्ड कॉपीज़ ऑफ़ दिस बुक्स यू कैन गो डाउन एंड फाइंड आउट द लिंक फॉर ई बुक्स सो लेट अस स्टार्ट नाउ ये शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ पर्टेनिंग टू द डोमेन ऑफ एल एंड फनजाई सेमेस्टर वन के कंपोनेंट जो सिलेबस है उसके अंदर एल और फंजाई का जो पार्ट है उसमें हम Uh, आज डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक के ऊपर अबाउट द ऑफ वेरियस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल्स इन एलगी एलगी में जो अलग अलग तरह के लाइफ साइकिल के पैटर्नस होते हैं क्योंकि एलगी के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा और हमने डिस्कस किया कि एल्गी एक बहुत ही डाइवर्स सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करती है हालांकि इन सब में कॉमन बात यह है कि ऑल द एलगी आर फोटोसिंथेटिक सारी एलगी फोटोसिंथेटिक सिंथेटिक हैं उनके अंदर क्लोरोफिल जैसे पिगमेंट्स होते हैं इसी बात से ये सब एक ही टेक्सॉन के अंदर हैं लेकिन फिर भी इन ऑर्गेनिज़म्स में लाइफ फॉर्म्स को लेकर इनके शेप इनके साइज़ इनके हैबिटेट इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है अगर आप इन चीज़ों के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इससे पिछला वीडियो जो कनेक्टेड वीडियो है इसी सीरीज़ का वो देख सकते हैं लेकिन यहाँ पर हम लाइफ साइकिल के पैटर्न्स की बात करेंगे कि किस तरह के पैटर्न्स एलगी फॉलो करती है एंड दिस विल आल्सो बी एप्लीकेबल ये जो टर्मिनोलॉजी है ये जो लाइफ साइकिल के पैटर्न हैं दिस विल आल्सो बी अपलाई टू दी अपमिंग जब हम फंजाई की बात करेंगे वहाँ भी ये टर्म्स एप्लीकेबल होंगे सो ऑन द वेरी फर्स्ट आई लाइक टू गिव यू ओवर ऑफ वॉट आर द लाइफ फेजेस किस तरह के लाइफ फेजेस लाइफ फॉर्म्स देखने को मिलती हैं तो यहाँ पर आपको दो चीज़ों के बारे में मैं पहले बताऊँगा सबसे पहला है आई दर लाइफ फॉर्म्स मे हैव हैप्लॉयड थिंग्स प्रिडामेंटली या तो लाइफ फॉर्म्स जो हैं उनके जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो बॉडीज़ हैं उनके जो लिविंग फॉर्म्स हैं दे में बी आइदर हैप्लॉयड विच इज सीन इन मेजोरिटी ऑफ अर्ली ऑर्गेनिजम्स जो अर्ली ऑर्गेनिजम्स हैं प्रमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं देव हैप्लॉयड लाइफ फॉर्म्स एंड दैट इज कॉल्ड एस हैपलॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल उनका लाइफ साइकिल कैसा होता हैपलॉन्टिक होता है मतलब जो ऑर्गेनिज्म हैं प्रिडोमिनेटली वो हैप्लाइड लाइफ फॉर्म्स अचीव करते हैं तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म है फॉर एग्जाम्पल देन प्रिडामिनेंट फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई सेट ऑफ क्रोमोजोम लाइक एन एंड वेन इट रिप्रोड्यूज सेक्शुअली जब ये सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करेगा देन इट विल टेक अप द फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स एंड दोज गैमिट्स विल भी जनरेटेड विदाउट रिडक्शनल डिविजन सो अनलाइक ह्यूमन्स हम फिजियोलॉजी में ह्यूमन्स की बात करते हैं मीओसिस की बात करते हैं लेकिन यहाँ पर गैमिट फॉर्मेशन के लिए किसी भी मियोसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी गैमिट डायरेक्टली जो है उस ऑर्गेनिज्म के क्रोमोजम नंबर को रिटेन करेंगे सो सिंपल माइटोटिक डिविजन्स एंड डिफ्रेंसिएशन कैन रिजल्ट इन गैमिट फॉर्मेशन सो दीज गैमिट्स विल लॉफ यूज टूगैदर एंड दे विल मेक डिप्लॉयड सेल विच विल बी कॉल्ड एस जाइगॉट डिप्लॉयड सेल बनेगी जिससे जाइगॉट बनेगा और यह जाइगॉट विल नाउ अंडर गो रिडक्शनल डिविजन जैसे हमारे अंदर म्योसिस होती है गैमिट बनने के लिए तो जायगॉट किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने से पहले इट विल अंडर गो मियोसिस एंड इट विल मेक श्योर दैट न्यू सेल्स विच आर कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग ऑर्गेनिजम्स हैलरेडी बिकम है ये सेल्स ऑलरेडी हैप्लॉइड बन चुकी हैं सो दिस गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म सो यूनिक हेयर यहां पर यूनिक बात क्या थी यूनिक बात यह थी कि केवल ये वाला पार्ट जहां पर हम बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म जो डेवलप हुए दिस इज दिजिबल लाइफ फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लाइफ फॉर्म जो है विजिबल लाइफ फॉर्म ये केवल इसी स्टेज में प्रेजेंट है बाकी ये जो फॉर्म्स हैं दीज दीज आर 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 नॉट नॉट फॉर्म्स सिंगल सेल्स हैविंग देयर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जब तक कि वो ग्रो नहीं करती हैं तो लाइफ फॉर्म कैसी हुई यहां पर अगर हम इस तरह के ऑर्गेनिज्म की बात करें जिनमें हेप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं बाकी जो इनका डिप्लॉयड फेज है दैट इज नॉट एन ऑर्गेनिज्म सो सच काइंड ऑफ लाइफ साइकिल विल बी कॉल्ड एज लाइफ साइकिल कुछ एल्गी में होता है कुछ फंजाई में भी होता है कुछ माइक्रोब्स में भी होता है लेकिन अगर हम इसके अलावा ह्यूमंस या हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वहां पर ऐसा नहीं होता है वहां क्या होता है वहां पर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल से हम क्या समझते हैं इससे हम ये समझते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो लाइफ फॉर्म्स हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं हाथी घोड़े एनिमल्स डॉग्स जितने भी एनिमल्स हमें उनकी लाइफ फॉर्म दिखाई दे रही हैं वो कैसी होती हैं बेसिकली डिप्लॉयड होती है उनमें क्रोमोजोम पेयर्ड होते हैं सो लाइफ फॉर्म्स विल बी डिप्लॉइड अगर लाइफ फॉर्म्स डिप्लॉयड हैं, ऑर्गेनिज्म जो है एडल्ट डिप्लॉइड हैं, लेकिन जब इनके गैमिट्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो गैमिट्स के फॉर्मेशन में यहां पर मियोसिस इन्वॉल्व है रिडक्शनल डिविजन इन्वॉल्व है और होना भी चाहिए क्योंकि जब गैमिट बनेंगे तो यहाँ पर टू एन क्रोमोजोम अगर है और अगली जनरेशन में एक जाइगॉट बनना है मेल और फीमेल के गैमिट फ्यूज़ होने हैं तो अगर रिडक्शनल डिवीज़न नहीं होगा तो उस सिचुएशन में तो क्रोमोज़ोम का नंबर फोर एंड हो जाएगा चार गुना हो जाएगा तो इससे पहले कि जाइगॉट बने और वो क्रोमोज़ोम के नंबर को ज़्यादा कर दे यहाँ पर रिडक्शनल डिविज़न होता है अब इसके बाद फिर क्या होगा देन अगेन देर विल बी फ्यूजन ऑफ दीज गैमिट्स ये गैमिट्स जुड़ेंगे

गैमीट्स ऐसे चीजें थी जो अपने आप अकेले एग्जिस्टेंस करने में कैपेबल नहीं है तो गैमिट से जाइगॉट बना जाइगॉट से फिर अडल्ट ऑर्गेनिज्म बना तो जो विजिबल ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं दैट विल ऑलवेज बी डिप्लॉयड इसलिए इस तरह के ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल को हम क्या कहते हैं वी कॉल दैट लाइफ साइकिल एज डिपलॉन्टिक लाइफ साइकिल तो दो बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए अब तक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है और हेपलॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है so very primitive organisms they will have generally haplontic life cycle adults will be haploid in adults haploid honge or higher organisms they they have adults which are diploid and majority of the life forms they are diploid but haploid phase in ke life cycle mein aata hai so kuch log inko haplo डिप्लॉन्टिक डिप्लो haplontic इस तरह से नाम देते हैं लेकिन वो नाम सही नहीं है क्योंकि इनकी life forms जो हैं वो या तो डिप्लॉयड है कंप्लीटली या अब एक इंटरेस्टिंग बात और सामने आती है मान लीजिए कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये जो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड चीजें बनी या यहां पर हैप्लॉयड से ये जो डिप्लॉयड चीजें बनी अगर ये भी कोई फॉर्म ले लेती हैं ये भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करने में कैपेबल होती हैं यानी कि इसका भी कोई ऑर्गेनिज्म बन गया और इसका दूसरा दिखने वाला ऑर्गेनिज्म बन गया तो आपको इनके पूरे लाइफ साइकिल में अगर इनका भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मिले और इनका भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मिले तो यानी कि उनका जो लाइफ साइकिल है वो ऑल्टरनेट करेगा आगे चलकर हम पढ़ेंगे बॉटनी में ही पढ़ेंगे फर्म्स के बारे में टेरिडोफाइट्स के बारे में और इनफैक्ट एलगी का जो हमने डिस्कशन किया है एलगी में भी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है मतलब उनमें हैप्लॉयड लाइफ फॉर्म्स भी होती हैं और डिप्लॉयड लाइफ फॉर्म्स भी होती हैं तो ऐसे लाइफ फॉर्म्स जहां ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो सके वेयर देर इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दोनों ही चीजें जहां पर हों दे आर कॉल्ड एज हैटिक लाइफ साइकिल हैप्लो डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल्स हो सकते हैं तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ आई होगी अब इसको थोड़ा और क्लैरिटी के साथ हम देखते हैं मान लीजिए कि एक एलगी है जो ओशंस में ग्रो कर रही है वो लेट्स मल्टी सेलुलर एलगी है और उस एलगी का आपने कोई माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया उसको चेक किया तो उसका कोई शेप है लेट्स से इट इज मेड अप ऑफ सर्कुलर सेल्स और इट इज मेड अप ऑफ फिलामेंटस सेल्स लेकिन वो अभी हैप्लॉयड है तो ये इसकी एक लाइफ फॉर्म हो गई दिस इज हैप्लॉयड लाइफ फॉर्म विच इज़ विजिबल पॉन्ट्स में ग्रीन कलर की लेयर बन जाना ओशंस में ग्रीन कलर की लेयर बन जाना जिसे हम काई लग जाना बोलते हैं ना कॉमन लैंग्वेज में कि काई लग गई बारिश के दिनों में अक्सर होता है तो वो हैप्लॉयड लाइफ फॉर्म है कभी कभी ये हैप्लॉयड लाइफ फॉर्म्स जब रिप्रोडक्टिव फेज़ में होंगे ये स्पोर्स बनाएंगे तो वो स्पोर्स हमको दिखाई नहीं देंगे ये इनके रिप्रोडक्टिव कंपोनेंट्स हैं जो स्पोर्स बनेंगे और स्पोर्स बनने के बाद मान लीजिए कि इनका फ्यूजन हुआ दे गॉट फ्यूज टुगेदर और फ्यूजन के बाद इन्होंने क्या बनाया जाइगॉट बना लिया अब अगर ये प्योरली हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉलो करते तो जायगॉट से तुरंत ऑर्गेनिज्म बन जाना चाहिए था एलगी बन जानी चाहिए थी लेकिन अब यहां पर क्या होता है कि ये जाइगॉट भी डेवलप होता है एंड दैट रिजल्ट सम रिप्रोडक्टिव सेल्स समझ लीजिए कि कुछ सीड्स बने और वो सीड्स भी ग्रो होने लगे दे अडोप्टेड डिफरेंट फॉर्म्स ये भी विजिबिली दिखने लगे तो ये एक ऑल्टरनेट ऑर्गेनिज्म बन गए इनका भी अपना एग्जिस्टेंस है फिर इन पर कुछ स्पोर्स आए और ये स्पोर्स जो है दे अगेन गेव राइज टू दिस तो यहाँ पर आपको दो फॉर्म देखने को मिलेंगी फॉर्म वन जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा जिसका एक ऐसा लग रहा होगा कि एक ही प्लांट है कि अलग अलग प्लांट है अगर आपको बेसिक जानकारी नहीं है लाइफ साइकिल की तो आप इनफैक्ट कन्फ्यूज हो जाएंगे आपको लगेगा अरे ये तो दो अलग अलग स्पीशीज़ हैं दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं दैट इज वॉट हैपन्स वेन ऑर्गेनिजम्स हैव टू फॉर्म्स आप और एनालॉगस वे में इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ह्यूमंस के अंदर ह्यूमन जैसे हम देख रहे हैं ह्यूमन हम सब डिप्लॉयड हैं मान लीजिए कि हमारे जो गेमिट्स हैं उनका भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है वो भी हमारी बॉडी से रिलीज होकर और घूमते फिरते खाना खाते अपना उनका अपना लाइफ होता उनकी सोसाइटी होती तो क्या कोई कह पाता कि वो जो यूनीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो स्पॉर्म्स और ओवम हैं अगर वो अपना इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं तो क्या कोई कह पाता कि वो ह्यूमन्स हैं नहीं लेकिन हमारे डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में हायर ऑर्गेनिजम्स में इस तरह का ऑल्टरनेशन नहीं है जनरेशन का जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो केवल एक ही टाइप की हैं सो आई थिंक इस बात के बाद ये जो पूरा डिस्कशन था दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन वेन यू हैव टू लर्न अबाउट एलगी फंजाई एंड लोअर ऑर्गेनिजम्स स्पेशली बॉटनी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है सो so, ये बेसिक डिस्कशन आपको समझ आ गया हो अगर कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है डिप्लॉन्टिक लाइफ फॉर्म्स क्या होती हैं दो तरह की लाइफ फॉर्म्स कैसे एग्जिस्ट कर सकती हैं और यूजली हैप्लोंटिक और डिप्लोंटिक लाइफ फॉर्म्स क्या होती हैं सो विद दिस वी विल टेक अ क्विक ब्रेक हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम डिटेल डिस्कशन करेंगे एल के अंदर कितने तरह के ऐसे लाइफ साइकिल्स प्रेजेंट होते हैं क्या सारी एल ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करती हैं क्या कुछ एल ऐसी भी होती हैं जिनमें हेप्लो डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल होता है या फिर इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं हेप्लो डिप्लॉन्टिक से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर सकती हैं इसके बारे में हम एक छोटे से ब्रेक के बाद बात करेंगे हेलो एवरीवन थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी कंफ्यूजन अक्सर बनी रहती हैं सिस्टम और सराउंडिंग की ये कंफ्यूजन हम दूर करने के लिए आपके सामने आ रहे हैं मैं हूं डॉक्टर सचिन कुमार और एस चांद एकेडमी पर हम आएंगे और पढ़ेंगे थर्मोडाइनमिक्स के ऐसे ही टॉपिक्स बिल्कुल आसान तरीके से सो जस्ट स्टे कनेक्टेड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम कनेक्टेड रहें और आप तक ऐसे ही टॉपिक्स लाते रहें और आप बढ़िया से पढ़ाई कर पाए वेलकम बैक टू अशांत अकेडमी ब्रिक्स से पहले हम एक जनरल डिस्कशन की बात कर रहे थे कि जो लाइफ साइकिल्स की नेमिंग है इनका जो नामक्लेचर है और इनके साथ यूज़ होने वाली जो टर्मिनोलॉजी है ये किस बेसिस पर दी जाती है तो यहाँ हमने देखा कि दो मेजर टाइप्स हैं एक हैपलॉन्टिक है और एक डिप्लॉन्टिक है जहाँ ऑर्गेनिज्म जो है लाइफ फॉर्म में वो डोमिनेंट उसका जो वर्जन है या जो ऑर्गेनिज्म एज़ अ लिविंग बीइंग एग्जिस्ट कर रहा है अगर वो डिप्लॉयड है तो वो डिपलोंटिक अगर वो हैप्लॉयड है तो हेपलोंटिक इसके अलावा कोई और बाकी तरह की सेल्स लाइफ साइकिल में क्रिएट होती हैं लेकिन ऑर्गेनिजम्स क्रिएट नहीं होते तो या तो प्योरली प्योरलीप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होंगे हेप्लॉन्टिक या प्योरली डिप्लॉयड deplo होंगे डिप्लॉन्टिक जैसे कि हम लोग ह्यूमंस वी आर डिप्लॉन्टिक एंड लोअर ऑर्गेनिजम सम एल्गी माइक्रोब्स दे आर हैपलोंटिक बट algae and fungi are known to have even more complex life forms where haploid and diploid both type of organisms can exist in their life cycle and that we discussed with the help of this small diagram we have seen that one form of organism which may be haploid that can also appear as independent organism and when they give rise to cells which form diploid cells they can also proliferate into an organism as an independent second form दैट्स वाई दिस इज कंसिडर टू भी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसे हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कंसिडर करते हैं और ये दोनों फॉर्म्स को यूजअली uh, कोई भी अलगी फिजाई और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स फॉलो करते हैं सो दीज काइंड ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैिवन एन एडिशनल नेम विच इज कॉल्ड एज हेप्लो डिपलोंटिक लाइफ फॉर्म्स हम कंटिनुअसली बॉटनी में इस टर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे चाहे वो एलगी की बात हो फंजाई की बात हो इवन जो अर्ली प्लांट्स हैं लाइक टेरिडोफाइट्स उनके अंदर फर्ल्स के अंदर भी हम देखेंगे कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ फेजेस देखने को मिलते हैं आइए अब बात करते हैं कि एलगी में स्पेसिफिकली क्योंकि हम अभी स्टार्टिंग में एलगी के लेक्चर्स डिस्कस कर रहे हैं तो एलगी में पर्टिकुलरली किस किस तरह के लाइफ फॉर्म्स देखने को मिलते हैं

तरह का लाइफ साइकिल ऐसा भी होता है कुछ एलगी ऐसी भी होती हैं जिनमें तीन फेजेस होते हैं forms, forms, और एक एडिशनल टॉक अबाउट ऑल फोर टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल्स विच आर फॉलोड बाई एलगी वन बाई वन क्विकली वी विल सी देयर सेलियंट फीचर्स लेट अस स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट पहला टाइप जो है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इसका मतलब मोस्टली मोस्टलीप्लॉयड होंगे सो इन दिस लाइफ साइकिल प्लांट्स आर हैप्लॉयड और ऑर्गेनिज्मिक लाइफ साइकिल एंड कंसिडर्ड एज सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ लाइफ साइकिल क्योंकि जो अर्ली ऑर्गेनिजम्स हैं एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्ली टाइम पॉइंट पर थे उन्हीं में यह देखने को मिलता है तो ये एक प्रिमिटिव टाइप का फेज है देर इज अटेज देर इज टू स्टेज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल सच एज गिटोफाइट गेमिटोफाइट जो होता है वो हैप्लॉयड होता है एंड स्पोरोफाइट डिप्लॉइड विच इज रिप्रेजेंटेड बाई जाइगॉट तो प्लांट में ये टर्म आपको सुनने को मिलेंगे एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो गैमिट बनाता है जैसे अगर ये एक ऑर्गेनिज्म है फॉर एग्जाम्पल हम प्लांट की बात करें हायर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट में गैमिट कहाँ बनते हैं प्लांट में गैमिट फ्लावर्स में बनते हैं राइट फ्लावर्स दे गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ पॉलन्स और उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है उसमें फॉर्मेशन होता है तो दैट विल बी फॉर्मिंग वॉट गैमिट्स दैट विल बी कंसिडर्ड एज गैमिटोफाइट बट इन केस ऑफ लोअर ऑर्गेनिजम्स सेल्स कैन ईदर मेक गैमिट्स फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बट सम लाइफ फॉर्म्स कैन ऑल्सो मेक स्पोर्स विच विल डायरेक्टली जर्मिनेट जो सीधे सीधे जर्मिनेट हो जाएंगे तो जहाँ स्पोर्ट्स बनते हैं जिससे उसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं सो so, फ दिस इज गिविंग राइज टू गैमीट्स अगर इससे गैमीट बन रहे हैं दिस इज अप्लॉयड लाइफ फॉर्म देन दिस विल बी नेम्ड एज गेमिटोफाइट इसको हम गेमिटो फाइट कहेंगे एंड ग्रेजुअली दिज गैमी फ्यूज एंड देव राइज टू जाइगोट जैसा कि हमने बात की थी तो यह अब जाइगॉट जो है ये सीधे सीधे ऑर्गेनिज्म नहीं बनाएगा दिस विल गिव राइज टू अ फॉर्म That will be like a primitive embryo, and that will be able to release some cells after meiosis. क्योंकि यहाँ पर जाइगॉट के अंदर मियोसिस होती है जाइगॉटिक मियोसिस होती है तो यहाँ पर नंबर हाफ हो जाएगा दोबारा से और ये हेप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे तो ये वाला जो पार्ट है यानी कि जाइगोट जब मेच्योर हुआ so vokarbanega that will be called a sporophyte spore bearing part so sporophyte will give rise to spores yes spores spores and spores will eventually germinate into a complete plant so unlike i mean you have to keep that point in your mind that if it is a haploid life cycle if it is a haplontic life cycle then ओनली दिस पार्ट विल अपेयर लाइक एन ऑर्गेनिज्म इनमें से यह कुछ भी ऑर्गेनिज्म की तरह नहीं होगा दिस वोंट बी हैविंग आई मीन एबिलिटीज ऑफ ऑल दी एबिलिटीज ऑफ लाइफ फॉर्म्स लाइक लोकोमोशन रिप्रोडक्शन सारी चीज़ें इसमें नहीं होंगी लाइफ सेल्स होंगी बट एज एन ऑर्गेनिज्म इनको कंसिडर नहीं करेंगे सो so, यही बेसिक पैटर्न आगे भी फॉलो किया जाएगा जब हम कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल्स की बात करेंगे हेप्लो की लेकिन वहाँ से फ़र्क इतना होगा कि ये भी एक ऑर्गेनिज्म होगा और ये भी एक अलग ऑर्गेनिज्म होगा तब उसको हैप्लो कहा जाएगा अभी हम सिर्फ हैप्लॉन्टिक की बात कर रहे हैं विच इज क्वाइट सिंपल तो ये पॉइंट थे हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल से एसोसिएटेड किस तरह के ऑर्गेनिज्म जो है हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल एग्जिस्ट करते हैं तो हेप्लॉड गैमिट्स डेवलप विद इन गैमिटेंजियम एंड इन द गैमिटोफिक प्लाट देन टू हेप्लॉयड गैमिट्स आर फ्यूज टू फॉर्म अट दो गैमिट जो है जाइगॉट बनाते हैं दे एंटर इन टू डिप्लॉयड स्टेट उसके बाद स्पोरोटिक फेज आता है लाइफ साइकिल का जो कि जाइगॉट होता है बेसिकली और उससे स्पोर्ट्स प्रोड्यूस होते हैं विच इवेंचुअली गिवराइज टू न्यू प्लांट नो लुकिंग एट सम्पेसिफिक एग्जाम्पल्स अगर हैप्लॉन्टिक की हम बात करें तो हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है इसको मोनोजेनिक लाइफ साइकिल भी कहा जाता है क्योंकि एक ही तरह का ऑर्गेनिज्म इसमें है Uh, और अगर एल्गी के एग्जाम्पल्स की बात करें आई होप पिछले वीडियो से आपको ध्यान होगा हमने क्लेमाइडोमोनस का लाइफ साइकिल स्टडी किया था सो क्लेमाइडोमोनस दैट टू कंटेनिंग एल्गी इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम द लास्ट वीडियो दैट इज़ हैविंग अ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल अपार्ट फ्रॉम दैट एन एल्गी विच विच अपेयर्स समथिंग लाइक दिस ऑल्सो कंटेन्स हैपलोंटिक लाइफ साइकिल दैट इज कॉल्ड यूलोथ्रिक्स एंड दिस वॉज The type टाइप ऑफ एलगी विच वी कॉल्ड क्लिमाइडोमोल अदर देन दैट इडोग इन एलगी का लाइफ साइकिल भी कैसा होता है आइए अब आगे चलते हैं हेप्लॉन्टिक के बाद हम डिप्लॉन्टिक की बात करते हैं तो डिप्लॉन्टिक में आप खुद ही इमेजिन कीजिए क्या डिफरेंस होगा डिप्लॉन्टिक अगर algae है या डिप्लॉन्टिक ऑर्गेनिज्म है यानी कि दे विल बी मच मोर क्लोजर टू humans.

गेमिटिक म्योस गेमिट बनाते टाइम म्योसिस होगी जबकि हेपलॉन्टिक में जाइटिक म्योसिस होगी ये पॉइंट्स ध्यान रखने के हैं ना वंस दीज गैमिट्स हैव ऑलरेडी बीन फॉर्म्ड दिस विल अगेन गिव राइज टू जाइगॉट इससे जाइगॉट बनेगा और जाइगॉट बनने के बाद दैट विल अगेन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सम स्पोर रिलीजिंग बॉडीज एंड दे विल इवेंचुअली जनरेट स्पोर्स च विल बी डिप्लॉयड अनलाइक द प्रीवियस चार्ट दैट यू हैव सीन तो ये दिखने में बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे अभी हमने हेप्लॉन्टिक का देखा था लेकिन डिफरेंस देखिए वहां पर इफ यू गो बैक द लाइफ फॉर्म्स वरप्लॉइड द जायॉट वॉज डिप्लॉयड एंड स्पोर्ट्स वर अगेन हैुक हेयर अगर आप यहाँ देखें ऑर्गेनिज्म गैमिट्स आर हेप्लॉयड जायगॉट इज अगेन डिप्लॉयड एंड स्पोर्स आर अगेन डिप्लॉयड सो दिस इज कॉल्ड एज डिपलोंटिक लाइफ साइकिल एंड हेयर एज वेल जो डोमिनेंट लाइफ फॉर्म्स होंगी वो इतने पार्ट में होंगी यानी कि ये पार्ट जो है इसमें ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहा होगा सो दैट्स ऑल अबाउट डिप्लोंटिक लाइफ फेज इफ यू लुक एट द एग्जाम्पल्स अगर आप इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो सरगासम आप मैंने इसका नाम लिया था सरगासम का फर्स्ट uh, वीडियो में दिस इज अ मरीन एल्गी मरीन एल्गी है फ्योफाइसी है देन फ्यूकिस फ्योफाइसी येलो ब्राउन एलगी जो होती हैं उनके बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं दे फॉलो अ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल सो दे कैन बी कंसिडर्ड एज लिटिल मोर एडवांस इन एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ स्केल कंपेयर टू दी हेप्लॉन्टिक एलगीज सो दिस वॉज अबाउट हेप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक नाउ कमिंग टू इवन मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स दैट इज कॉल्ड एज हेप्लो डिप्लॉन्टिक विच मीन्स देर विल बी बोथ यहाँ पर क्या होगा हेप्लो डिप्लॉन्टिक में दोनों चीज़ें होंगी 2n or let's start with n haploid life form be Haploid life form will give rise to gametes. Gametes will make zygote. Zygote will make spore forming bodies after meiosis, and these small spores. will germinate into complete organism. Now here, what is the difference? That this is also a life form. ye भी एक predominant life form है और ये भी एक predominant लाइफ फॉर्म है मतलब ये भी ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट रह सकते हैं और ये भी ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट रह सकते हैं ये भी आपको देखने को मिलेगी लाइफ forms और ये भी देखने को मिलेगी सो यू विल हैव Gametophyte as an independent organism and sporophyte as an independent organism that is called as haplodiplontic life forms. Now, in this haplodeplontic life forms, you can have again uh, two types. One is called as isomorphic, haplodeplontic isomorphic, ho sakta hai. Hum homologous diplo-haplontic bhi hai. Is me keota ki uh, the sporophytic and gametophytic plants are morphologically similar, which means इनकी दो लाइफ फॉर्म्स तो हैं गो बैक एंड जस्ट चेक हीयर ये वाले जो प्लांट होंगे जब आप इनको देखेंगे विजुअली तो ये प्लांट और ये प्लांट दिखने में एकदम एक जैसे होंगे कोई अंतर नहीं होगा तो अगर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है हेप्लॉयड ऑर्गेनिज्म और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म एक जैसे दिख रहे हैं तो उस टाइप के लाइफ साइकिल को हम क्या नाम देते हैं आइसोमॉर्फिक नाम देते हैं जबकि इसके अलावा अगर आ, हम अपोजिट बात करें अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म अलग जैसे दिखते हैं उनकी अपेयरेंस अलग हो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हो सो दे हैव बीन गिवन अ डिफरेंट नेम उसको नाम दिया जाता है हेट्रोमॉर्फिक सो so, बात समझ में आई आपको देर में बी आइदर आइसोमॉर्फिक और देर में बी हेट्रोमॉर्फिक फॉर्म्स और हेट्रोमॉर्फिक लाइफ साइकिल्स इन हेप्लो जब हेप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म लाइफ साइकिल में एग्जिस्ट कर रहे हैं या तो वो एक जैसे हैं या वो अलग अलग तरह के हैं सो सम ऑफ द कॉमन एग्ज़ाम्पल्स इफ़ यू वॉन्ट टू नोटिस आइसोमॉर्फिक जो होते हैं ऐसी एल्गी जिनमें आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल होता है सो यू हैव अल्वा एंड सो मेनी एग्जाम्पल्स फ्रॉम द क्लोरोफाइसी क्लोरोफाइसी के एग्ज़ाम्पल्स हैं एक्टोकार्पस फीओफाइसी का एक एग्जाम्पल है जो कि इस तरह के लाइफ साइकिल को फॉलो करता है और अगर आप हेट्रोमार्फिक की बात करें हेट्रोमार्फिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल दैन देर आर सम एग्जाम्पल्स फॉराम फ्योफाइसी कुछ फ्योफाइसिक एग्जाम्पल्स हैं जो हैट्रोमार्फिक लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं अब फाइनली बात आती है इससे भी एक कॉम्प्लेक्स टाइप के लाइफ फॉम की वो है ट्राईफेजिक अब तक हम दो ही फेजस की बात कर रहे थे रिमेंबर या तो हेपलोंटिक या डिप्लोंटिक या फिर दोनों लेकिन अगर मान लीजिए हेपलोंटिक और डिपलोंटिक के बीच में लेटस से एन ऑर्गेनिज्म इज हेप्लोआइड It is forming gametes. These gametes join together and make a zygote. And this zygote matures into a life form which can independently exist. Then it transforms into another life form which can also have its independent existence. And then it forms this life form. So, agar inki life may three tarah organism hai, लाइफ फॉर्म अलग दिस में बी फर्स्ट ये लाइफ फॉर्म अलग और यह लाइफ फॉर्म अलग सो लेट्स से इफ दे हैव थ्री टाइप 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 ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड देन दिस विल बी कॉल्ड एज अ ट्राइफेजिक लाइफ फॉर्म सो ट्राइफेजिक लाइफ फॉर्म में क्या होता है देर आर मेनी डिफरेंट एग्जाम्पल्स फ्रॉम द रेड एलगी कई सारी रेड एलगी हैं जो इस तरह का लाइफ साइकिल शो करती हैं इसमें आ, या तो हैप्लॉयड या डिप्लॉयड हैप्लॉयड के अंदर या तो दो टाइप्स हो सकते हैं या फिर डिप्लॉयड के अंदर दो टाइप्स हो सकते हैं तो उसी बेसिस पर इनको फिर डिवाइड भी किया गया है ट्राइफेजिक आइदर हैप्लोबायोटिकप्लोबायोटिक का मतलब है कि इसमें हैप्लॉयड जो हैं वो दो तरह के लाइफ फॉर्म होंगे हेप्लॉयड सिर्फ एक नहीं होगा हेप्लॉयड दो तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं एक बीच में और एग्जाम्पल आता है दैट इज कॉल्ड एस

अपोजिट भी हो सकता है डिप्लोबायटिक भी हो सकता है डिप्लोबायोटिक का मतलब क्या हुआ कि डिप्लॉयड लाइफ फॉर्म दो होंगी और हैप्लॉयड एक होगी सो आई होप यू गॉट एन आइडिया अबाउट ट्राई लाइफ साइकिल में दो चीज़ें हो सकती हैं या तो दो दोप्लॉयड और एक डिप्लॉयड या फिर एक डिप्लॉयड और दो हैप्लॉयड ऑन दैट बेसिस वी कॉल दैम आइदर हैप्लोबायोन्टिक और डिप्लोबायोटिक बोथ ऑफ दैम विल हैव ट्राई लाइफ साइकिल सो नाउ आई बिलीव दैट यू अंडरस्टूड ऑल दिस फैक्ट्स लेट अस हैव अ रीकैप ऑफ एवरीथिंग इस वीडियो में हमने जो एलगी का लाइफ साइकिल है उसके बेसिक टाइप्स ऑफ फीचर्स के बारे में देखा अलग अलग टर्मिनोलॉजी जो यूज़ की जाती है उसके बारे में हमने सीखा हमने डिस्कशन किया डिप्लॉन्टिक और हेप्लॉन्टिक के बारे में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में और उसके साथ साथ आ, हमने ये भी डिस्कस किया कि कुछ ऑर्गेनिजम्स कुछ एलगी में हैप्लो और ट्राई लाइफ साइकिल्स भी हो सकते हैं हमने यह भी बात की कि जब हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ फेज होता है तो वो आइसोमॉर्फिक भी हो सकता है यानी कि हेप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों दिखने में एक जैसे हो सकते हैं या फिर वो हेट्रोमॉर्फिक हो सकता है दोनों अलग अलग हों और जब ट्राई लाइफ साइकिल होता है तो उसमें जो तीसरा फेज होगा जो इंटरमीडिएट फेज़ होगा जिसको हम कैप्रोस्पोरस फेज कहते हैं वो या तो डिप्लॉयड हो सकता है या हेप्लॉयड हो सकता है उस बेसिस पर हम इसको हेप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लो है नाम देते हैं ट्राई में तो ये सारा डिस्कशन था टर्मिनोलॉजी का रिमेंबर दिस विल बी एप्लीकेबल टू फंजाई इट विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल टू अदर प्लांट किंगडम ऑर्गेनिजम्स सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो एंड आई फर्दर रिकमेंड यू दिस बुक्स फ्रॉम एस चांद पब्लिशिंग अगर आप इन टॉपिक्स के बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो ये किताबें आपके लिए यूजफुल होंगी एंड इन केस यू डोंट हैव हार्ड कॉपीज ऑफ दिस बुक्स यू कैन गो बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन फाइंड लिंक फॉर ई बुक्स I hope you are enjoying these videos. If so, you can like, share, and subscribe the channel. And do press the bell icon if you want regular updates. Thank you for watching. All rights resolved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.